कासगंज में पुलिस कप्तान सुशील घुले के कुशल निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गंज डुबाड़ा इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने हमराही स्टाफ उपनिरीक्षक गोपी चंद्र, उपनिरीक्षक जगदीश सिंह एवं उपनिरीक्षक राजवीर सिंह के साथ गश्त के दौरान नगर के मोहनपुर रोड अलहपुर नगर पुल के पास वांछित अभियुक्त मेहदी हसन उर्फ रिजवान 17 उर्फ संतोष निवासी धुबरी व जाहिद पुत्र नन्ने निवासी सुजावलपुर को मैं एक राशि चोरी की भैंस तथा 1 किलो 40 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ में गिरफ्तार किया है। सर, ये गंज में जो भैंस चोर पकड़े गए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज थाना गंज नौरा द्वारा जो भैंस चोरी की कुछ घटना हो रही थी, इसमें विगत में 2 भैंस और 1 भैंस और चोरी हुई थी, जो इस्माइल के घर से भैंस चोरी की गई थी। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है, इसमें मेहदी हसन, संतरा उर्फ संतोष और जाहिद को गिरफ्तार किया गया है। एवं कुछ लोग इसमें भागने में सफल हो गए हैं। इनके पास से एक भैंस बरामद हुई है और नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। नशीला पदार्थ अपने पास इसलिए रखते थे जिससे कि इसमें कुछ मिला करके जानवरों को खिला देते थे और जानवरों को लेकर के ये जो है आगे आगे बेच देते थे, क्योंकि आगे सब का कटान में काम आते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ भी की जा रही है और इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है।